और आइए अब आपको तबाही का एक ऐसा मंजर दिखाएंगे जो आपकी सोच से बिल्कुल परे होगा। मौसम का कहर जारी है, यूपी में बारिश कम हुई लेकिन नदियों का कहर पूरी तरह से अभी बना हुआ है। नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल टाइगर पार्क जो है वो पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। यूपी के दूसरे कई जिलों में भी इसी तरह के हालात हैं। देखिए रिपोर्ट। ये लखीमपुर खीरी है, जहां भी जिधर भी नजर जाएगी बस सैलाबी सितम नजर आएगा। लखीमपुर में सैलाब ने इतनी तबाही मचाई कि घर डूब गए, सड़कें डूब गईं, रेल की पटरियां डूब गईं, और तो और दुधवा का जंगल भी डूब गया। अब जरा दुधवा नेशनल पार्क का नजारा आपको दिखाते हैं। पहले तो ड्रोन से रिकॉर्ड इस तस्वीर को देखिए, पूरा दुधवा पानी में डूबा नजर आएगा, इतना सैलाब यहाँ आया। अब जरा जंगल के अंदर के हालात देखिए, गजराज पानी में अटखेलियां कर रहे हैं। हाथियों का पूरा झुंड पानी को पार कर खाने की जुगत में जंगल में भटक रहा है। तो दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अफसर और रेंजर इन्हीं हाथियों की मदद से जंगल की निगरानी कर रहे हैं। इन तस्वीरों में नजारा साफ नजर आ रहा हो। और तो और गैंडा और टाइगर भी पानी में लोटपोट मचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व भी इस समय सोहेली नदी में नेपाली नदियों से आने वाले पानी से बाढ़ग्रस्त हो गया है। लगभग 75% दुधवा टाइगर रिजर्व का ऐसा हिस्सा है जो पानी से भरा हुआ है। जंगल के रहने वाले टाइगर राइनो समेत सभी जानवरों को अब ऊंचे स्थान पर जाने के लिए इस बाढ़ ने मजबूर कर दिया है। लेकिन जो जलचरी जानवर है, सर्पीय जानवर है, उनको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके बिलों में और जो उन्होंने बनाए गए खो में पानी घुस गया, जिसको लेकर बहुत से जानवरों की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। अब जरा रिहायशी इलाकों की ओर लौटते हैं। गांव के गांव पलायन कर चुके हैं, लोगों ने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर आसरा लिया है। लेकिन इस सैलाब से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लखीमपुर में बाढ़ के पीछे साजिश, क्या खनन माफिया की करतूत से डूबे गांव? शारदा में अवैध खनन बना विकराल सैलाब की वजह? ऐसा हम नहीं बल्कि स्थानीय किसान और ग्राउंड जीरो के हालात कह रहे हैं। शारदा नदी खासकर जो पलिया कस्बा है उसमें तबाही का सबब बनी हुई है। हम शारदा पुल पे खड़े आपको दिखाने जा रहे थे कि शारदा नदी इसी पुल के नीचे से गुजरती है। आप विजुअल देख सकते हैं, इस समय जो पुल का हिस्सा है कुछ ही हिस्से में शारदा नदी बह रही है और पूरा हिस्सा खाली गुजरा हुआ है। इसका कारण जानकार लोग जो बता रहे हैं कि लगातार अवैध खनन इस पुल के किनारे किनारे करके पलिया की तरफ शारदा नदी का रुख कर दिया। लगातार अवैध खनन करने वालों ने मड पंप लगाकर इस शारदा नदी का में खनन अवैध खनन किया। नदी जहाँ बहा करती थी, मूल रूप जिसका हुआ करता था, वहाँ पे पानी नहीं है और कस्बे में जाके लगातार पानी हिट कर रही है। लखीमपुर खीरी में यूं तो हर साल आई और आकर चली गई, लेकिन इस बार जो तबाही मची उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लाइन अगर लाइन की पटाई हो जाए, रुकेगा पानी, तभी अगर वहाँ पुलिया पड़ जाती है तब भी हमारे यहाँ ये क्षेत्र नहीं बचेगा। और आज नहीं तो आने वाले 10 सालों में यहाँ का आदमी भागने पड़ेगा। ये पूरी नदी यही हो जाए, नदी का रुख बिल्कुल हमारे सामने है आगे जो मरोचा के साइड से, और नदी पूरी सूखी पड़ी है, वहाँ बालू से पट गई है, वहाँ बालू है ही नहीं, उसमें पानी है नहीं, पूरी बालू से पटी पड़ी है। सबसे ज्यादा तबाही पलिया तहसील पलिया कस्बे में फैली हुई है, क्योंकि इस बार श्रीनगर गांव के पास से पुल के नीचे से गुजरने वाली शारदा नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और इसके पीछे की वजह है अवैध खनन। जिला प्रशासन भी अवैध खनन माफिया की हरकत और बाढ़ के पीछे की संभावित वजह से इनकार नहीं कर रहा, बल्कि डीएम इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। और जहाँ पे जो पंप वगैरह और सारे माध्यमों से जो वहाँ पे किया गया है, वहाँ पे खनन मेन कारण तो वैसे खनन ही कहेंगे कि वो जगह नीची कर दी गई है, जबकि जो नदी की ठोकर वीरा से जो नदी आती थी उसकी ठोकर लगती थी यहाँ आकर, वो ठोकर काट दी गई, वो पानी सीधा पलिया की तरफ आने लगा, वो लाइन पे आता, लाइन कट जाती है, लाइन
का जो है उसके चक्कर में इधर सारा इलाका यहाँ से लेकर मजगई तक सारा डूबा पड़ा। अब जरा पड़ोसी जिले शाहजहांपुर का हाल देख लीजिए, जहाँ कल तक बेहिसाब सैलाब था, अब वहाँ से पानी घटने लगा है। नेशनल हाईवे के आसपास के इलाके अब बाढ़ से बाहर निकल रहे हैं, जबकि शहर के कुछ हिस्से अब भी डूबे पड़े हैं। शहर के 8 मोहल्लों में आई बाढ़ से हजारों मकान का घरेलू सामान खराब हुआ है। हालांकि पानी कम होने के बाद धीरे धीरे लोग गांव की तरफ लौटने लगे हैं। सुभाष नगर इतनी तबाही मचाई, लोगों ऐसे सामान छोड़ छोड़ के नंगे पैर यहाँ से सब अपनी जान बचा करके भागे हैं। अच्छा, इतने कष्ट थे। कितना परिवार हाँ, था? हाँ, भैया परिवार का तो इतना हम गिनती तो नहीं करें कि हमने, लेकिन इतने परिवार का जितने हैं सारे मोहल्ले सब भागी गए यहाँ से, करते क्या। अब जरा बहराइच का हाल देखिए। सरयू नदी में अचानक पानी बढ़ने के कारण नदी के दूसरे अलग अलग छोर पर 115 लोग फंस गए। नदी के रौद्र रूप के आगे एनडीआरएफ और पीएसी के जवानों की हिम्मत भी जवाब देने लगी, लेकिन सैलाब में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए देवदूतों ने हिम्मत नहीं हारी और लहरों से लड़कर 62 जिंदगियों को बचा लिया। हालांकि अलग अलग छोर पर तमाम लोग शनिवार दोपहर तक भी फंसे थे, लेकिन सभी का रेस्क्यू जारी है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर सामने आई। दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तर तेलंगाना, ओडिशा और पूर्व मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही गुजरात में तेज हवाओं के साथ अगले 4 से 5 दिन तक बारिश होने की आशंका है। उधर पूर्वी तट क्षेत्र में रेड अलर्ट, पश्चिमी तट क्षेत्र में रेड अलर्ट, मध्य भारत में ऑरेंज अलर्ट, उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी रहेगा, जबकि 22 जुलाई को उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। आज हमारी उम्मीद है मेनली बारिश रहेगी आपका साउथ छत्तीसगढ़ और विदर्भ में और आसपास के क्षेत्र यानी कि नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तेलंगाना और नॉर्थ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, इन सभी जगह अति भारी वर्षा यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर तक होने की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम के चक्रव्यूह में फंसे लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। यह अलग बात है कि यूपी में नदियों का जलस्तर तेजी से कम होना शुरू हो गया है, लेकिन बारिश ने वापस दस्तक दी तो मुसीबत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।